बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिला देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ एप्पल का जैम और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 किलो सेब लिए थे, उनके छिलके उतार के उन्हें इस साइज़ में काट लिया है। पानी में इसलिए भिगो के रखे हैं ताकि इनका कलर चेंज ना हो। पानी निकाल दिया और इसमें साफ पानी 1.5 गिलास डाल दिया है और इसे ऊपर से कवर कर देंगे और दरमियानी आंच पे 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। इसे कवर कर दिया, इसे 15 से 20 मिनट तक इसे आप दरमियानी आंच पे पकाएंगे। 5-6 मिनट हो गए इन्हें पकते हुए, अभी थोड़ी देर इन्हें और पकाएंगे। 20 मिनट तक इसे पका लिया है, अब इसे ठंडा होने देंगे और फिर इनका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा बन चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें चीनी डालते हैं। चीनी थोड़ी सी कम डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1 खाने का चम्मच लेमन का रस डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें रेड कलर भी डाल सकते हैं, मैं कलर नहीं डाल रही इसमें। 1 टुकड़ा इसमें दालचीनी का डाल देंगे। जब जैम बन जाएगा फिर इसे तब निकाल देंगे बाहर। बहुत ही आसानी से और बहुत कम बजट में बनके तैयार हो जाता है। मेरे चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करेंगे, आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। 15 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये चेक कर सकते हैं अभी ये रेडी हुआ है या नहीं। अभी यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप लिया है, आप देख सकते हैं अगर इससे पानी का ड्रॉप नीचे आएगा। अभी हमारा जैम तैयार नहीं हुआ, आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता पानी नीचे आ रहा है, इसका मतलब है अभी थोड़ी देर इससे और पकाना पड़ेगा। 5-6 मिनट हो चुके हैं इसे और पकते हुए, आप फिर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं अब पानी नीचे नहीं आ रहा, जैम हमारा बन के तैयार है। अब इसे नीचे उतारते हैं और ठंडा करके इसे किसी बर्तन में निकालते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं 1 किलो सेब से बहुत सारा जैम बन के हमारा तैयार है। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही कम बजट में बन जाता है, बाज़ार के जैम से कई गुना सस्ता। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट दिया करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर हाज़र होंगे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।